हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे आ रहे हैं आजकल? खूब बढ़िया, मस्त. समझ में आ रहा है, कोई लाइफ में टेंशन तो नहीं है? टेंशन कभी नहीं लेना, मस्त होके मैथ्स को पढ़ना, मैथ्स को एंजॉय करना, उसका आनंद लेना हमेशा. तो देखो बच्चों, हम लोग फंक्शनल एनालिसिस के अगले वीडियो में आ गए हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको मीट्रिक स्पेस के बारे में बताया था, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले पिछले जो वीडियो हैं उनको जरूर 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 पढ़ लेना चाहिए, ठीक है. तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज 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 पुराने वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, तब आपको बहुत बढ़िया मस्त समझ में आएगा. देखो मीट्रिक स्पेस क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था, उसके हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं. देखो समझो क्या होता है. एक होता है ट्राइवियल मीट्रिक स्पेस. देखो ट्राइवियल मीट्रिक स्पेस, या इसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी कहते हैं. डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस भी इसको हम कहते हैं. क्या होता है देखो, ये होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई. देखो ट्राइवियल, ट्राइवियल वर्ड आप मैथ्स में बहुत सुनेंगे, इसका मतलब होता है वेरी इजी, जो आसानी से निकल आए, ठीक है. डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस या इसको कहते हैं. तो देखो ये एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन हमने कर दिया रियल नंबर पे, है ना, रियल लाइन पे. रियल लाइन पे मतलब ये जो हमने फंक्शन लिया है, ये फंक्शन लिया है आर क्रॉस आर से लेकर के आर तक. आर क्रॉस आर, देखो क्रॉस का मतलब कार्टीजियन का मतलब तुमको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था. कार्टीजियन का मतलब ये आर के दो एलिमेंट लेगा. देखो जैसे इसने एक्स और वाई आर के दो एलिमेंट लिए और उसकी वैल्यू दे दी आर में, ठीक है. तो देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये डिस्क्रीट मीट्रिक है, मतलब ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है. किस पर? रियल लाइन पर. तो कोई ये डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन किया, कह रहे हैं कि अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो वैल्यू को वन ले लो, और अगर एक्स वाई बराबर है तो वैल्यू जीरो ले लो. देखो चेक करें आखिर ये मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों कर रहा है. हमेशा कोई भी मीट्रिक स्पेस अगर हमें दिया जाएगा तो ध्यान रखिए हमें चेक करना होगा आखिर ये मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. समझिए बात को ध्यान से, बस समझे. कोई भी मीट्रिक स्पेस दिया जाएगा, ध्यान रखना, तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं करता है. देखो समझो क्या होगा यहाँ पर. देखो पहली कंडीशन मीट्रिक की क्या थी, कि डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो. देखो वैल्यू या तो जीरो है या जीरो से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं. दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पर क्या थी, कि अगर डी एक्स वाई जीरो है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए. देखो है एक्स इक्वल टू वाई होने पर वैल्यू जीरो है. तीसरी कंडीशन देखो क्या थी, कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स तीनों बराबर होने चाहिए. तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों बराबर होने चाहिए. तो देखो क्या ऐसा हो रहा है कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों बराबर हैं. हाँ हैं. देखो डी एक्स वाई की वैल्यू भी वन आएगी और डी वाई एक्स भी वन आएगा, क्योंकि अगर एक्स वाई बराबर नहीं है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा हो रहा है. चौथी कंडीशन देखो यहाँ पर क्या थी, मैंने बताया था कि दो का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर इक्वल टू होता है. तो डी एक्स जेड होता है लेसर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ऐसा हमेशा होता है, ये मैंने बताई थी आपको. तो देखो तो जैसे डी एक्स जेड है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. बोलो, क्योंकि एक्स और वाई कोई भी दो अगर पॉइंट हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा वन होगी, और लेसर इक्वल टू डी एक्स वाई भी वन और डी वाई जेड भी वन. तो देखो ये बात सही है, वन लेसर इक्वल टू टू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही स्टेटमेंट है. लेसर इक्वल टू का मतलब या तो लेस है या इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है. तो वन लेसर इक्वल टू टू इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ध्यान देना, टू लेसर इक्वल टू टू भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, ध्यान देना, क्योंकि या तो टू टू से छोटा है या बराबर है. तो देखो लेसर इक्वल टू का मतलब या तो लेस या इक्वल, तो ठीक है टू टू से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना.
तो ये दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान देना, ये गलती कभी नहीं करना, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पांचवी कंडीशन तो खैर वो तो एक जनरल कंडीशन थी, मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसा है। पांचवी क्या थी कि अगर एक्स वाई बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर है एक्स वाई बराबर ना होने पर डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1, जो सही। तो इसका मतलब देखो ये एक मीट्रिक को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम ट्राइवियल मीट्रिक या वेरी इजी मीट्रिक भी हम लोग कहते हैं, यहाँ पर समझो ध्यान से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, बड़ा इजी है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें चेक करने को आती हैं, कुछ भी लिख के दे दिया और पूछा कि क्या ये मीट्रिक स्पेस है कि नहीं है, तो हमेशा हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। देखो अब जैसे 1 की जगह अगर वो 2 लिख देता तब भी वो मीट्रिक होता, सोचो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि नहीं, बोलो। कुछ भी कांस्टेंट देगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा, ऐसा हमेशा होगा। लिखो जरा ध्यान से इसको, पहले तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। देखो एक और मीटर डिफाइन करते हैं आर पर, रियल नंबर पर। देखो मान लिया मैंने कहा कि D from R cross R to R, R cross R से R तक का मतलब ये हुआ कि R पर वो मीट्रिक है। मैंने बताया था कि कोई भी D अगर X पर मीट्रिक है तो X cross X से लेकर R तक वो फंक्शन होता है। तो मान लिया मैंने ये ले लिया D X1 X2 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, मान लो मैंने ऐसा ले लिया डी एक्स वन कॉमन एक्स टू इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, और हमसे पूछा गया कि मीट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, ठीक है। इज दिस मीट्रिक, मतलब क्या ये मीट्रिक स्पेस है, इज दिस मीट्रिक स्पेस, क्या ये मीट्रिक स्पेस है, ये सवाल हमसे देखो यहां पर पूछा गया। तो हमें मीट्रिक की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेंगी कि क्या सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, है ना। तो कुछ भी हमको दिया जा सकता है और पूछा जाएगा कि क्या ये मीट्रिक है या नहीं है, बात समझे। देखो करते हैं इसको, लिखो जरा ध्यान से, लिखो देखो पहली कंडीशन क्या थी कि डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो। एक्स वाई का मतलब दो पॉइंट्स, जैसे यहां पर एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट्स हैं। एक्स वन एक्स टू किसके पॉइंट्स हैं, रियल नंबर के, क्योंकि देखो आर क्रॉस आर है। आर क्रॉस आर का मतलब इसके पास, मैंने बताया था क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब इसके पास इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, एक्स वन कॉमा एक्स टू प्रकार के इसके पास एलिमेंट्स होंगे। तो इसके पास देखो डी एक्स वाई पॉजिटिव है, तो देखो डी एक्स वाई निकालो तो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये पॉजिटिव है, ये बात सही है। मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसमें कोई नई बात नहीं। मॉडुलस फंक्शन समझते हैं ना हम लोग, पढ़ा होगा हम लोगों ने, ऐसे मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव है तो उसी के बराबर होता है, और मॉडुलस ऑफ नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और मॉडुलस ऑफ जीरो है तो वैल्यू जीरो ही रहती है, मतलब मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा हुआ मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब अंदर का नंबर, जैसे यहाँ तो हम जानते हैं कि अंदर प्लस है, यहाँ जानते हैं कि अंदर माइनस है, लेकिन ए माइनस बी तो कुछ भी हो सकता है, वो ए और बी पर डिपेंड कर जाएगा। तो अंदर की वैल्यू प्लस है या माइनस है ये हम नहीं जानते फिलहाल अभी ना, क्योंकि ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ अंदर मालूम था माइनस था तो इसको प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो प्लस ही देन दिया, यहाँ जीरो है तो जीरो कर दिया। तो इसमें दो आंसर आ जाते हैं, इसका आंसर a माइनस बी होगा अगर a b से बड़ा होगा, और अगर
ए बी से छोटा होगा तो इसका आंसर होगा बी माइनस ए, और अगर ए बी के बराबर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो इसके तीन आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। कब ये चीज कब होती है? जब अंदर की वैल्यू ना पहचान पाए तब, है ना। जैसे अंदर की वैल्यू पहचान गए तो तीन आंसर नहीं तो केवल एक आंसर, अंदर ना पहचान पाए तो उसके अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जैसे ले, अब एक्स जो है वो वन से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, तो अंदर पता नहीं प्लस है या माइनस है। तो कंडीशन बना लो, एक्स अगर वन से बड़ा है तो वैल्यू एक्स माइनस वन, मतलब इसके इसकी देखो, क्योंकि मॉड को अपनी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकालनी होती है। मॉड का काम क्या होता है देखो, अगर आपको बहुत डिटेल से बातें सीखनी हैं तो मैं आईआईटी के भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देखो फंक्शन टॉपिक पे जाओ, क्लास 12th में मैंने फंक्शन पढ़ाया है, और वैसे भी फंक्शन एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है 11th-12th लेवल का, जो हमें आना चाहिए, उसका यूज़ हर जगह होता है। तो वहाँ पर मैंने मॉडुलस फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, लॉग फंक्शन को बहुत डिटेल से समझाया, ये हमको आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती ही है। तो बहुत अच्छा होगा, 11th-12th लेवल की कंप्लीट मैथ्स हमको आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम जेएम की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम एमएससी कर रहे हों, चाहे कहीं छोटा मोटा हम पढ़ा रहे हों या बड़ा बड़ा पढ़ा रहे हों। खैर आप तो बड़ा बड़ा ही पढ़ाओगे, छोटा मोटा कहाँ पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये 11th-12th का मैथ्स हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। वहाँ मैंने मॉडुलस फंक्शन बहुत डिटेल से समझाया है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट में समझा रहे हैं बस, ठीक है थोड़ा सा। तो x अगर 1 से बड़ा तो वैल्यू x माइनस 1, अगर x 1 से छोटा तो वैल्यू 1 माइनस x, अगर x 1 के बराबर तो वैल्यू 0, क्योंकि इसका काम होता है वैल्यू पॉजिटिव। देखो x 1 से बड़ा तो x माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, x 1 से छोटा तो 1 माइनस x पॉजिटिव हो गया, दोनों बराबर तो वैल्यू 0 हो गया। तो इसलिए मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। इसलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो क्या होता है, जरा समझो यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है देखो, कि डी एक्स वाई बराबर जीरो होगा तो एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। तो देखो ऐसा है, अगर हम यहां से देखो, अगर हम डी एक्स वाई निकालें तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, अगर हम इसको जीरो कर दें, अगर हम डी एक्स वाई को जीरो कर दें, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, और मॉड जीरो तो अंदर का नंबर भी जीरो, तो इसका मतलब एक्स बराबर वाई हो गया। ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन देखो क्या होती है, थर्ड होती है डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स। देखो डी एक्स वाई क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और डी वाई एक्स क्या है? मॉड ऑफ वाई माइनस, दोनों बराबर है, क्योंकि देखो मॉड के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता। जैसे मॉड ऑफ थ्री बी थ्री होगा और मॉड ऑफ माइनस थ्री बी थ्री होगा, मॉड के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, ऐसा हमेशा होगा। अच्छा चौथे नंबर देखो क्या है, चौथा नंबर होता है d ऑफ x कॉमा z लेसर इक्वल टू d ऑफ x कॉमा y प्लस d ऑफ y कॉमा z। देखो इसको जरा चेक करें कि ये सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, है ना। तो देखो ये रियल लाइन पर डिफाइन एक डिस्टेंस है, जैसे रियल लाइन पर हम डिस्टेंस मॉड की हेल्प से हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, है ना, एक डिस्टेंस फंक्शन है, और इसको हम रियल लाइन का मीट्रिक स्पेस भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सेट तो कोई ना कोई चाहिए, एक्स कोई सेट चाहिए, यहाँ पर मैंने आर सेट ले लिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ठीक है। देखो अब तीसरी कंडीशन क्या हुई, मॉड ऑफ एक्स जेड की वैल्यू क्या हुई, यहां से देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड हुई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हुई बोलो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई हो गया, मॉड ऑफ वाई जेड क्या हो गया, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड हो गया। तो क्या ये सही है, इसको जरा चेक किया जाए। देखो ऐसा होता है, इसको जरा मिटा रहे हैं बच्चों, इसको मिटा रहे हैं, नोट करो जल्दी से। देखो ऐसा होता है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है मॉड में, कि
कि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेसर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये एक रूल होता है मॉड में, इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। और वैसे भी इसको यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही कहा जाता है, मीट्रिक स्पेस में भी इसको भी हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही कहते हैं। देखो जैसे ए और बी को ये ले लें, जैसे ए की जगह ले लें एक्स माइनस वाई और बी की जगह ले लें वाई माइनस जेड, ठीक है, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी, है ना, ए और बी। तो देखिए लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, देखिए क्या सही आती है, तो वाई से वाई कटा तो क्या हुआ मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस जेड। देखो सही आ गई, देखो ये अपने आप ही प्रूव हो गया इसकी हेल्प से, है ना। इसका मतलब तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। पांचवी कंडीशन क्या है, बहुत इजी है कि अगर x और y बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई क्या हो गया, डी एक्स वाई हो गया मॉड ऑफ x माइनस वाई और ये पॉजिटिव होगा और ये बात सही है। अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं ना। तो इसका मतलब देखो ये एक मीट्रिक स्पेस हो गया जो कि रियल लाइन पर डिफाइन हो गया, बस समझे, तो ये एक मीट्रिक स्पेस हो गया जो कि रियल लाइन पर डिफाइन है, है ना, मॉडुलस का मीट्रिक स्पेस। मतलब रियल लाइन पर अगर हमें डिस्टेंस चाहिए है तो हम इस तरीके से हमेशा निकाल सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू करके, बस समझे। अच्छा देखो इसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीज डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो जरा ध्यान से, तुम आ गए हो नूर आ गया है नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। तो देखो ये सब मीट्रिक स्पेस के ना अलग अलग एग्जांपल्स हैं, है ना, ये सब अलग अलग एग्जांपल्स हैं मीट्रिक स्पेस के। देखो जैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z होता है ना x प्लस आयोटा y लिखते हैं, आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट माइनस वन होती है, हम लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बेटा पढ़िए 12th 11th में जाकर के सारे टॉपिक तैयार करिए, क्योंकि अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं इसका मतलब आपको टीचिंग लाइन में आज नहीं तो कल जाना ही है, या उससे संबंधित आपको एग्जाम पास करने हैं जैसे टीजीटी है पीजीटी है और आपका नेट है पीएचडी के लिए एग्जाम देना है, तो उसमें ये सब हमसे हमेशा पूछा ही जाएगा आज नहीं तो कल। साइंटिस्ट की कोई पोस्ट आती है उसके लिए आपको एग्जाम देना है तो ये सब हमसे 11th 12th का मैथ्स तो पूछा ही जाएगा हर जगह, वो हमारा बेसिक है, उसको हमें आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। देखो तो जैसे हम एक फंक्शन लें z क्रॉस z से लेकर के r तक, ठीक है, और ये फंक्शन लें d ऑफ z1 कॉमा z2 बराबर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, तो बिल्कुल सेम मेथड से ये भी एक मीट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। भाई z1 z2 यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, जैसे पिछले में x और y क्या थे दो रियल नंबर थे, वैसे यहां पर Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे दो एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, बस समझिए, बोलो बात क्लियर है ना। देखो जल्दी लिखो इसको, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों ने मीट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल देखे हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे कुछ और बातें बढ़िया बढ़िया करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए HD मैथमेटिक्स, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।